नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हरियाणा के नूह में अगस्त में हुई हिंसा के एक आरोपी मोनू मानेसर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मोनू मानेसर लगातार पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहा था। आज सुबह नूह पुलिस ने मोनू मानेसर को सुबह करीब 10 बजे मानेसर के एक बाजार से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट खंगाल रही थी। 26 अगस्त को ऐसी ही एक पोस्ट पुलिस को मिली जिसमें लिखा था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। जांच में पता चला कि यह पोस्ट मोनू मानेसर नाम के एक अकाउंट से डाला गया है। पुलिस ने पोस्ट को ट्रेस करना शुरू किया, कुछ जगहों पर छापे मारे तो गुरुग्राम से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। यह व्यक्ति मोनू मानेसर निकला। पुलिस ने उसके पास से 2 सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन, 45 बोर की एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की। इसके खिलाफ धार्मिक आधार पर दुश्मनी फैलाने, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और लोक शांति भंग करने के आरोप के केस दर्ज किए गए। दोपहर करीब 4 बजे मोनू मानेसर को अदालत में पेश किया गया, जहां वकीलों की जिरह के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल भेजे जाने से पहले राजस्थान पुलिस भी वहां पहुंच गई और मोनू मानेसर की रिमांड मांगी। दरअसल मोनू मानेसर हरियाणा के भिवानी में 2 चचेरे भाइयों नासिर और जुनैद की हत्याओं के मामले में भी आरोपी है और उस मामले में फरार चल रहा है। राजस्थान के एक गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक गाड़ी के अंदर से बरामद हुए थे। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट इस हत्याकांड के सिलसिले में मोनू मानेसर की हिरासत मांगी। दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस की हिरासत में भेज दिया। मोनू मानेसर पर यह आरोप था कि उसने फरवरी में राजस्थान भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के शक में पीटा और फिर जिंदा जला करके मार दिया। तब से मोनू मानेसर फरार था। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस उसको ढूंढ रही थी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी न होने पर हरियाणा पुलिस और सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे थे। नासिर जुनैद की हत्या के बाद सुर्खियों में आया मोनू मानेसर लगातार हरियाणा पुलिस की नाक के नीचे से सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें कहता आ रहा था। यहां तक कि कई टीवी चैनल्स पर भी उसके वो पहुंच गए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस को मोनू मानेसर को पकड़ने में 7 महीने लग गए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोनू मानेसर के द्वारा दिए गए कथित इंटरव्यू बहुत सारे पत्रिकाओं में और टीवी चैनल्स पर चल रहे थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आ रहा। 7 महीने बाद अब आए। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है। वो बजरंग दल का सदस्य है और खुद को गौरक्षक बताता है। मोनू मानेसर पर आरोप है कि उसने नूह में हिंसा भड़काने की मंशा से 30 जुलाई को सोशल मीडिया में कहा कि वो 31 जुलाई को नूह में होने वाली विश्व हिंदू परिषद की कलश यात्रा में शामिल हो। इसके बाद मोनू मानेसर का एक और वीडियो सामने आया जिसमें कहा गया कि बोल है तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद 31 जुलाई को हुई इस शोभा यात्रा में हिंसा भड़की जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। देखिए, 28 अगस्त को जो पुण्य ब्रज मंडल यात्रा होनी थी उसके संबंध में 26 अगस्त को फेसबुक पर पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट पर साइबर पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज कर ली, FIR नंबर 37। और जब इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये अकाउंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मोहित मानेसर के नाम पर मिला और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। और जब हमारी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एडजर्निंग डिस्ट्रिक्ट और एडजर्निंग स्टेट को कानूनी मैसेज भिजवाया गया कि अगर किसी मामले में वांछित है तो। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद उसके साथियों ने मानेसर में एक महापंचायत भी बुलाई, लेकिन उसमें ज्यादा लोग नहीं जुटे। नूह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन ने ऐसी महापंचायतों पर सख्ती कर दी।
मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद अब राजस्थान पुलिस जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर से पूछताछ कर रही है। जब हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तब भी मोनू मानेसर से पूछताछ की जा रही है कि कैसे जुनैद नासिर हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मोनू मानेसर जब इनको पकड़ा, किडनैप किया तब पिक्चर में नहीं था, लेकिन मोनू मानेसर ने जब इनको पीटा गया, अधमरा किया गया, तो इनको कैसे ठिकाने लगाना है उसमें मोनू मानेसर शामिल था। और जो सारे हत्यारे थे वो सब मोनू मानेसर की टीम में थे, इनका सरगना मोनू मानेसर था। तो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम राजस्थान पुलिस करेगी। और चूंकि जो हरियाणा पुलिस की FIR थी बहुत हल्की धाराओं में IT एक्ट की धारा थी, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई थी और कल वो आराम से कोर्ट से बेल ले लेता, क्योंकि IT एक्ट में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है भी ग्रीम से वो 3 साल की सज़ा का ही प्रावधान है, और 2 साल की सज़ा जिन धाराओं में होती है उनमें से थाने से ही बेल हो जाती है। तो यहाँ पर भी आराम से कल मोनू मानेसर बेल ले लेता। लेकिन जो जुनैद नासिर हत्याकांड में मुकदमा है वो काफ़ी सख्त है। अब देखना होगा कि कैसा इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। आज भी कोशिश की गई कि मानेसर में एक मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की गई, उसमें लेकिन लोग नहीं जुटे। अब मोनू मानेसर के अरेस्ट के बाद हम देखेंगे कि हरियाणा के खासकर इस भाग में रेवाड़ी, सोहना, गुरुग्राम, इन इलाकों में कुछ महापंचायतें समर्थन में हो सकती है। अब एक बड़ी चुनौती हरियाणा पुलिस के सामने भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार 7 महीने बाद ही सही अरेस्ट ज़रूर किया है मोनू मानेसर को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोनू मानेसर को पहले हरियाणा पुलिस ने तत्परता दिखाई होती, अरेस्ट कर लिया होता 30 जुलाई से पहले, तो जो भड़काऊ बयान दिया इसने नू में शोभा यात्रा से पहले, भड़काऊ बयान का असर ना होता, हिंसा ना होती, 6 लोगों की जो मौत हुई है वो ना होती, और 6 लोग जो मरे हैं उसमें 2 पुलिस वाले खुद हैं। दिल्ली में सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में 8 महीने क्यों लग गए? 7 से 8 महीने करीब। जबकि ये बात भी हुई, बार बार कही गई कि पुलिस को उसके बारे में जानकारी है और वो कई बड़े लोगों से भी मिलता रहा है। इस पर हमने बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह से। मोनू मानेसर एक बहुत शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर हत्या और जघन्य हत्या ऐसे गंभीर आरोप हैं। ये उसके ऊपर हमें नहीं मालूम कि पुरस्कार की घोषणा हुई नहीं, लेकिन डेडिकेटेड टीम्स अगर बना दी जाती, और ये भी सर्वविदित था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में जाना आना उसका निरंतर होता रहता था, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है। मोनू मानेसर ऐसे अपराधी का पुलिस कर्मियों के यहाँ, विशेषकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ जाना आना ये बहुत ही नकारात्मक और गलत संदेश देता है। इन परिस्थितियों में इतने विलंब के बाद, जब मेवात में इतना बड़ा दंगा हुआ, इतनी जाने गई और उसके साथ साथ संपत्ति का भी नुकसान हुआ, और चोटी के शीर्षस्थ अपराधियों को गिरफ्तार करने में इतना समय लगा, यह आपत्तिजनक स्थिति है। शासन प्रशासन को चाहिए बिना बिरादरी का भेदभाव, मैं फिर कह रहा हूं, बिना बिरादरी का भेदभाव किए अपराधियों के ऊपर कहर बन के टूट पड़े, उनके ऊपर बड़े पुरस्कार की घोषणा करें, डेडिकेटेड टीम्स लगाएं और गिरफ्तार करें। मुझे अब उम्मीद ये है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, हालांकि इसमें भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने विलंब किया उसकी 82-83 CRPC की कुर्की की कार्रवाई हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और ढीली ढाली हुई वो भी आपत्तिजनक है। पहले तो ये देखें, गिरफ्तारी में जो विलंब हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कौन जिम्मेदार है? मैं दोनों प्रांतों के लिए आह्वान करूंगा, राजस्थान के लिए भी, हरियाणा के लिए, दोनों को और सार्थक प्रयास करने चाहिए थे। दिखाई ये पड़ रहा है और आरोप ये जा रहा कि गिरफ्तारी के लिए कोई गंभीर नहीं था। अब इसकी पूछताछ होनी चाहिए। पूछताछ में सबसे पहले आपको किसने अधिकार दे दिया कि गायों की ट्रकों की आप चेकिंग करेंगे? किसने आपको ये अधिकार दे दिया कि आप कानून अपने हाथ में लेंगे? और आपके पुलिस विभाग में मददगार कौन कौन है, ये खुलासा कीजिए। और पुलिस विभाग के साथ साथ और कहां कहां आपके मददगार हैं, उनका खुलासा होना चाहिए। और उनके ऊपर भी धारा 120 बी IPC के अंतर्गत, यानी षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा कि मोनू मानेसर के खिलाफ रासुका के अंतर्गत निरुद्धादेश होना चाहिए। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को आपराधिक और आपराधिक छवि के लोगों से वांछित दूरी बनाकर के रखना चाहिए। वो दूरी नहीं रखी गई, जिससे संदेश यह गया कि मोनू मानेसर के ऊपर कोई कानून प्रभावी नहीं है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक स्थिति थी, और बेहतर यह होता कि कार्रवाई न केवल मोनू मानेसर पे हो, बल्कि उन पुलिस अधिकारियों का जिनको एक वांछित और दूरी बना के रखना चाहिए था, उन्होंने दूरी नहीं बनाई,
उसको अपने कार्यालय में आने दिया और आने ही नहीं दिया, संदेश भी ये दिया जो शिष्टाचार दिखाया कि ये शासन प्रशासन के बहुत नजदीक है। गिरफ्तारी में जो विलंब हुआ वो भी यही संदेश देता है। अब कम से कम इतना प्रायश्चित कर ले कि उसके ऊपर और दोषी पुलिसकर्मी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी आलोक लाल ने भी कहा कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में देरी हुई है और अब उम्मीद है कि जिन मामलों में वो आरोपी है उनमें जांच तेज हो। तो जो राजस्थान में घटना हुई थी और दो लोग मारे गए थे उसमें इनको नामित किया जा रहा था, वहां के लोगों ने कहा था कि ये थे उसमें, और बाद में जब ये नू में हिंसा हुई तब भी ये कहा गया कि इन्होंने भड़काऊ बातें कही थी और उसका असर ये हुआ था। मेरा ये मानना है कि जो लोग सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, और इस मामले में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि मोनू मानेसर को काफी वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इनको तत्काल गिरफ्तार करना अच्छा रहता क्योंकि बहुत सारी और घटनाएं जो शायद इनके गिरफ्तार न होने की वजह से हो गई वो रुक सकती थी। अकेले तो शायद उस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं थे, हो सकता है इनकी गिरफ्तारी से हिंसा में कुछ कमी आ जाती, कंट्रोल हो सकता था, लेकिन अगर इन पे शक था तो ऐसे मामलों में जहां इतनी गंभीर घटनाएं होने की संभावना रहती है उसमें पुलिस को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, और जिसमें शक हो उसको किसी भी हालत में ऐसी हरकतें नहीं करने देनी चाहिए जिसकी वजह से हिंसा हो जाती है। इनको गिरफ्तार करा हरियाणा पुलिस ने और इनको हैंडओवर कर दिया गया है अब राजस्थान पुलिस को। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान पुलिस अब उस मामले में एक्शन लेगी, उस मामले में कार्रवाई करेगी जिसमें इन पर ये दोष लगाया जा रहा है कि दो लोगों की हत्या में इनका हाथ था। और आइए अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें। मानसून के बादलों की राह तकते पूर्वी उत्तर प्रदेश को अब जाकर राहत मिली। आपको याद होगा अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से तबाही की कितनी तस्वीरें सामने आई थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे देश का ये आलम है। लेकिन पूरे देश के लिहाज से अगर देखें तो अगस्त का महीना बीती एक सदी में सबसे कम बारिश वाला अगस्त रहा, जब औसत से 36% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। देश के जिन इलाकों में बारिश बहुत ही कम हुई उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका भी शामिल है। सितंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते होते यहां बादलों ने उस तकलीफ को कुछ हद तक दूर कर दिया है। यह बारिश जहां शहरी इलाकों में आफत बनकर बरसी है वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे कुछ हद तक खिल गए। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। पहले आप वो देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बीते 2 से 3 दिन में जो बारिश हुई है उसमें लखनऊ के कई रिहायशी इलाके यानी कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज में पानी भर गया है, जैसे कि लखनऊ का गोमती नगर, आशियाना, जानकीपुर, अलीगंज, ट्रांसपोर्ट नगर और लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज जैसे इलाकों के कई जगह पर पानी भरने से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही। कई जगह सड़कों पर पानी भर रहा है। राज्य में बीते 36 घंटे में अलग अलग इलाकों में बारिश और बाढ़ से करीब 60,000 लोग प्रभावित हुए। यूपी के 10 जिलों की 19 तहसीलों के करीब 173 गांव बाढ़ के हालात का सामना कर रहे हैं। यानी कि आप सोचिए, जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, किसान ऊपर की ओर निगाह टकटकी लगाए देख रहे थे कि थोड़ा बारिश हो फसल बचे, अब जाकर के बारिश हो रही है और वो भी इतनी तेज कि बाढ़ आ गई। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बिजली गिरने का असर भी देखिए अपने स्क्रीन पर।
यहां लगी हाथी की एक मूर्ति पर बिजली गिरी तो उससे पत्थर के हाथी का एक दांत टूट गया, मूर्ति को और भी नुकसान पहुंचा। इससे ही इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली गिरना कितना खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पानी में डूबने, बिजली गिरने, करंट लगने जैसी घटनाओं में 21 लोगों की मौत बताई जाती है। ये तस्वीर लखनऊ से लगे बाराबंकी जिले की है, बहुत कुछ किलोमीटर दूरी है लखनऊ से। बाराबंकी और रामपुर जिलों में रविवार सुबह 8:30 बजे से अगले 24 घंटे के अंदर 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। बाराबंकी में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों के अलावा रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। बाराबंकी के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग फंस गए हैं, जिन्हें SDRF और NDRF की मदद से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। यूपी के हरदोई में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां कुछ जगहों पर कच्चे घर और दीवार गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत बताई जाती है और 4 घायल बताए जाते हैं। हरदोई में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सोचिए, कहां बारिश ही नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, और हुई तो ऐसी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी भारी बारिश से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। मुरादाबाद में 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। करीब के संभल जिले में 210 मिलीमीटर बारिश। यहां की भोलानाथ कॉलोनी में इतना पानी भर गया है कि आने जाने के लिए लोगों को नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दरअसल हमारे हर शहर का बारिश में यही हाल होता है, और इसकी वजह से ही शहरों कस्बों में हमने ईंट कंक्रीट से इतना निर्माण कर दिया कि पानी के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। अब पानी बहे तो कहां बहे। यहाँ दिक्कत तो बहुत है, अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल में लेकर जाते हैं। हमारी बहू की इतनी तबीयत खराब हो गई, हम दीवार पर लेकर गए, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। जब तक हम पहुंचे इतनी तबीयत गंदगी से डेंगू बन गया, और डेंगू में जब तक हम लेकर गए उसकी हालत इतनी खराब हो गई, बचाना भी मुमकिन हो गया उसको। खत्म हो गई। अगर सुविधा होती, अच्छा रोड होता, साफ सफाई होती, क्या ना ही होता डेंगू। यहाँ पर पानी काफी भरा हुआ, मतलब लोग भरो काफी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाव चलाने आते हैं हम, काफी टाइम से चल रही है यहाँ पे नाव। कब पानी भरा है ये? काफी टाइम से भरा हुआ पानी था यहाँ पर। कल ज्यादा पानी, बारिश कल जो बारिश हुई थी ना काफी, तो कल बारिश की वजह से और ज्यादा भर गया था यहाँ पे पानी। काफी दिक्कत हो रही है मकानों में से, लोग वारों को परेशानी पड़ती है काफी आने से यहाँ पे। तो सितंबर में हुई इस बारिश ने ईंट कंक्रीट के अधिकतम इस्तेमाल से बने हमारे रिहायशी इलाकों में आफत पहुंचाई है। तो वहीं किसानों के चेहरों पर इससे एक कुछ हद तक रौनक लौट आई है। ये तस्वीरें हरदोई जिले के ग्रामीण इलाकों की हैं, जहां खेतों में फसल लहलहा गई। किसान खुश हैं कि अगस्त के महीने में बारिश की कमी की कुछ हद तक अब भरपाई हो जाएगी। कुछ हद तक मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि जिस समय फसल को बारिश की जरूरत थी उस समय उसको उतनी आपूर्ति नहीं हुई, अब हो रही है, इस वजह से कुछ हद तक। हालांकि बारिश जिस तेजी के साथ हुई है वो भी पूरी खेती के लिए ठीक नहीं है। अगर ये बारिश लंबे अंतराल में होती तो खेती के लिए ज़्यादा बेहतर होती। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 11 सितंबर के बीच औसतन 81.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 13% ज्यादा है। आने वाले दिनों में यह बढ़त बने रहने की उम्मीद है। हरदोई में हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ने कुछ किसानों से बात की। गेहूं और उसको धान और गन्ने और मक्का, मूंगफली, इसका सबका फायदा मिला है। इसमें सूंडी कीड़ा कुछ नहीं लगता है, बरसात की वजह से बहुत फायदा हुई और गर्मी भी कम हो गई है। लगातार कितने दिनों से बरसात हो रही है? 3 दिन से लगातार हो रही है, आज चौथा दिन है। क्या नाम है आप? अरविंद पाल। हमारे साथ एक और किसान है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरसात से क्या फायदा हुआ है। जी, बहुत कुछ फायदा हुआ है बरसात से, किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है, गन्ना के लिए, धानन के लिए, हर फसल के लिए बढ़िया फसल। बारिश हुई आज 5-6 दिन है बारिश होते,
छह तारीख 12 बजे से पानी गिरा है, जलम स्ट्रीम से, उसके बाद लगातार पानी गिरता रहा। आज कुछ मौसम तनिक साफ है, बिल्कुल साफ है, ऐसा नहीं है, बादल पानी गिरने की संभावना है, गिरेगा पानी, ऐसी बात नहीं गिरेगा तो ज्यादा भी गिर सकता है, बहुत कम भी गिर सकता है, ऐसे बहुत फायदा है पानी से। अब ये तस्वीरें आप लखीमपुर खीरी से देखिए, यहाँ भी भारी बारिश उसके बाद किसानों के चेहरे कुछ हद तक खिले हुए हैं। मैं बार बार कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जिस समय बारिश होनी थी उस समय तो हुई नहीं। अगस्त के महीने से किसानों को सूखे का जो अंदेशा था वो फिलहाल अब दूर हो गया। इससे खरीफ की फसलों में जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना समेत कई अन्य फसलों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कई सब्जियों के लिए भी बारिश वरदान बनकर आई। राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिन अच्छी से काफी ज्यादा अच्छी बारिश का एक अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि लखनऊ, हरदोई, बस्ती और सिद्धार्थनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लखीमपुर खीरी में बारिश के बाद कुछ किसानों से बात की हमारे सहयोगी प्रतीक श्रीवास्तव। परशुराम जी, क्या फायदा है इस बारिश से? 4-5 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, ये जो है बारिश धान के लिए जो है बहुत ही लाभदायक है, और गन्ने की भी फसल बड़ी तादाद में होती है अपने। गन्ने की फसल जो है बड़े जो है होती है यहाँ पर फसल, जो है गन्ना अगर हवा ना चली तो अच्छा रहेगा, यदि हवा चली तो गिर जाएगा, नुकसान तो चलेगा। भैया, किस तरह का फायदा है फसलों को? फसलों का यही पानी जो बरस रहा है इससे बहुत लाभ है किसानों को, मतलब पैसा वैसा बच रहा है इससे, और धान उनकी फसल जो है पानी लगाना था इस समय वो पानी की बचत हो रही है, पानी गिरा है मात्रा में तो किसानों का पैसा बचा है, जिसे बढ़िया धान की उपज होगी। और ये गन्ना, जैसे गन्ना के लिए जैसे अभी हवा ना चले तो उसके लिए गन्ना के लिए फायदा, हवा चल जाएगी तो गन्ना गिर जाएगा तो किसानों को कुछ थोड़ी दिक्कत आएगी, मारने जैसे चूहा लग जाते हैं वगैरह वगैरह ये सब। बाकी और किन फसलों के लिए फायदा है? सारी फसलों के लिए, इस समय कोई ऐसी फसल ही नहीं है जो, और ये जैसे सब्जी वाली फसल है इसको थोड़ा नुकसान है, बस सब्जी वगैरह फसल जो है से नुकसान है। ये जो सब चीजें होती हैं ना कि बिन मौसम बरसात, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है, इसी को वैज्ञानिक और जो लोग चिंता करते हैं उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज का जो असर है या मौसम का जो असर है वो सिर्फ आपके देश में नहीं हो रहा है। मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है उसके पीछे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार बताया गया है, कहीं बहुत ही कम समय के लिए और कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही, तो कहीं बारिश के मौसम में भी सूखा है, कई इलाकों में तूफान बढ़ गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा तबाही बरपा रहे। उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी देश लीबिया का हाल जरा देखिए, जहां एक तूफान के बाद आई बाढ़ से अब तक करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी, 10,000 लोग लापता हो गए, करीब 20,000 लोग विस्थापित हो गए। भूमध्य सागर उससे लगे लीबिया के डेरना इलाके में 1,000 से ज्यादा शव बरामद किए गए। सोचिए, सोमवार को तूफान डैनियल के पूर्वी लीबिया में भयानक तबाही मचाने के बाद यह मंजर हुआ। इसकी वजह से वाडी डेरना नदी पर जो दो बांध बने हुए थे वो टूट गए और करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। डेरना शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, बांध टूटने से कई घर टूट गए हैं, कई पुल तबाह हो गए हैं, डेरना तक पहुंचना जो है वो काफी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, सोचिए क्या हालत हो गई होगी वहां। बेनगाजी से एक मंत्री जो डेरना पहुंचे उन्होंने कहा कि अगर ये कहा जाए कि शहर का 1/4 इलाका बाढ़ से गायब हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके मुताबिक डेरना में हर जगह शव ही शव बिखरे हुए हैं। सोचिए आप क्या हालत हो, हर जगह शव ही शव, घाटियों में, इमारतों में, समंदर में, हर जगह कितना खौफनाक मंजर हो। तूफान की वजह से डेरना से सूचना संपर्क टूट गया है, इस कारण वहां से जुड़ी खबरें अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रही हैं। सोचिए जब खबरें आनी शुरू होंगी तब क्या हाल हो।
राहत और बचाव के काम में लीबिया के प्रशासन की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की दरकार है। हालात का जायजा लेने के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी लीबिया, इन्होंने कहा है कि इस मानवीय त्रासदी से निपटने के लिए दूसरे देशों को बहुत जल्द मदद के लिए सामने आना होगा। और अब भाई वापस आते हैं घर की ओर, नई दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ हुआ। राजद्रोह यानी कि सेडिशन के कानून को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कई बार आरोप लगता है कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A इंडियन पीनल कोड, जिसे 1962 में केदारनाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने बिल्कुल सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने इस पुराने फैसले पर फिर से विचार को तैयार हो गया। इसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। अंग्रेजों के जमाने के कानून राजद्रोह यानी आईपीसी की धारा 124A को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने ही 1962 के फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार हो गया है। केदारनाथ फैसले में संविधान पीठ ने राजद्रोह कानून को बरकरार रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक राजद्रोह कानून बरकरार है ये लागू रहेगा, हमारे सामने इसकी संवैधानिकता लंबित है, हमें तय करना है कि राजद्रोह कानून संवैधानिक है या नहीं, क्या सरकार और राज्य में अंतर है, क्या सरकार के प्रति असंतोष को राज्य के प्रति असंतोष के रूप में पढ़ा जा सकता है, नए कानून से राजद्रोह के पुराने मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार ने फिलहाल सुनवाई ना करने की मांग की थी। केंद्र ने कहा नए कानून प्रस्तावित हैं, सरकार ने पुरानी गलती सुधारने की कोशिश की है, हमें कुछ महीने इंतजार करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजे 5 जजेस को? ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसलिए भेजा है क्योंकि जब नया कानून आ जाएगा तो ये जो पुराने कानून में मुकदमे चल रहे हैं इनकी क्या वैधता रहेगी उसको चेक करने के लिए इन्होंने 5 जजेस बेंच में सेडिशन के मैटर्स रिफर करे हैं। दरअसल मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए इस कानून पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम अपने आप में काफी अहम है क्योंकि ये फैसला तय करेगा कि आखिरकार अंग्रेजों के जमाने का कानून रहेगा या जाएगा, और साथ ही ये फैसला आने वाले नए कानून के लिए भी कानूनी जमीन तैयार करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अच्छा, अब पार्लियामेंट का रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी आशीष भार्गव बता रहे थे ना कि पार्लियामेंट में सेडिशन को लेकर के एक कानून हो, तो बाद में होगा जो होगा, एक बवाल अभी शुरू हो गया। 18 से 22 सितंबर के बीच हो रहे संसद के विशेष अधिवेशन की कार्रवाई पुरानी संसद से शुरू होगी और फिर नई संसद में कामकाज की शुरुआत होगी। नया संसद भवन बहुत भव्य और बड़ा बना है और नई संसद में डिजिटल कामकाज को बढ़ावा दिया जाएगा। उस हिसाब से वहां नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पूरे इंतजाम हैं। नई संसद के साथ एक नई बात और भी है, संसद में काम करने वाले सुरक्षा स्टाफ और कर्मचारियों की पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म भी नई होगी। इस पोशाक में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन इनमें से एक बदलाव को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया। यह विवाद नई यूनिफॉर्म में कमल के निशान को लेकर के, पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर अभी सस्पेंस कायम है, लेकिन 5 दिन के इस सत्र में एक बात अब तय मानी जा रही है कि सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही नई बिल्डिंग में शुरू कर दी जाएगी। साथ ही नई इमारत में शिफ्ट होते ही संसद भवन में काम कर रहे सुरक्षा स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों की वर्दी में भी बदलाव होने जा रहा है। संसद के सुरक्षा कर्मचारी अब कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। अब तक वो नीले रंग की सफारी पहनते रहे हैं, अब वो दो अलग अलग रंगों की ड्रेस में नजर आएंगे जो सेना के जवानों की ड्रेस से काफी मिलती जुलती है। वहीं संसद के दूसरे कर्मचारी अब गुलाब के प्रिंट वाली हाफ शर्ट, खाकी पैंट और मरून रंग की जैकेट वाली यूनिफॉर्म पहना करेंगे। महिलाओं के लिए पहले की तरह ही साड़ी को यूनिफॉर्म बनाया गया है। नई यूनिफॉर्म डिजाइन करने का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट को सौंपा गया है, जबकि कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा चुनने में सहयोग दिया है।
सूत्रों के मुताबिक पिछले सत्र के दौरान ही निफ्ट को संसद भवन के कर्मचारियों की यूनिफॉर्म बदलने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया। उधर कर्मचारियों के लिए तैयार शर्ट पर कमल जैसी आकृति बनाए जाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कमल की जगह मोर या बाघ की तस्वीर लगाई जा सकती थी। बीजेपी पार्टी सिंबल इज लोटस। बीजेपी का पार्टी सिंबल कमल है। G20 में भी हमने ये किया था, अब भी हम यही कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे कि ये राष्ट्रीय फूल है। इस तरह की गंदगी सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी बड़ी होगी और पार्लियामेंट एक तरफा नहीं होगी। बीजेपी ग्रोस अप एंड नॉट मेक द पार्लियामेंट ए पार्ट वन साइडेड पार्टिजन थिंग। दरअसल नई संसद में लोकसभा की थीम जहाँ मोर है, वहीं राज्यसभा की थीम कमल है, जिसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया के लिए। ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों को ठगने वाले बंटी और बबली गिरफ्तार हो गए। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में अब तक 400 के करीब दुकानदारों को ये ठग चुके हैं। आइए देखते हैं सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। यह है डिजिटल दौर के बंटी बबली, नाम है गणेश और प्रिया बोरसे। दोनों अलग अलग दुकानों से सामान खरीदकर अपने मोबाइल में पहले से सेव पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर लाखों की ठगी कर चुके हैं। कपड़े के दुकान में, किराना के दुकान में, खेलने के दुकान में जाता था, वो खरीदी करता था और उनको वो ICICI बैंक का वो खाता दिखा, अकाउंट दिखाता था उनको, और उनके अकाउंट में वो जितने हैं वो पैसे ट्रांसफर करने का उनको मैसेज दिखाता था और उसके ऊपर से उनको अपना मैसेज नंबर भी देता था और वो दुकान के बाहर निकलने के बाद वो अपना वो नंबर स्विच ऑफ करता था। ऐसे 300-400 लोगों को उसने फंसाया है। पुलिस के मुताबिक दुकानदारों का भरोसा जीतने के लिए दोनों अक्सर परिवार के साथ ही शॉपिंग करने जाते। छोटे छोटे बच्चे और वाइफ को मोटरसाइकिल लेके दुकान के सामने लगाता था और वो सब वहाँ पे उनके साथ थे। उसकी वजह से लोगों का उसके ऊपर भरोसा आता था। पुलिस के मुताबिक दोनों एक बार ठगी करने के बाद सबसे पहले दुकानदार का मोबाइल नंबर ब्लॉक करते और फिर अपने मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल कर अलग रख देते। इस तरह पिछले 2 साल से दुकानदारों को ठग रहे थे, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और खबरों की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।